गुड्डी गिलहरी बड़ी बहन थी और पिंकी गिलहरी छोटी बहन। गुड्डी बड़ी होने के नाते पिंकी को हमेशा ही किसी न किसी बात पर डांटती रहती थी, उसमें कोई न कोई नुक्स निकालती ही रहती थी। ये क्या कर रही हो, तुम्हें बिल्कुल मैनर्स नहीं है। किसी ने कोई जोक नहीं सुनाया, कोई तमाशा नहीं हो रहा, सामने कोई जोकर नहीं नाच रहा, फिर इस तरह जोर जोर से हंसने का मतलब? हंसने का क्या मतलब होता है, मुझे कोई बात याद आ गई तो मैं हंस गई। पर इस तरह अकेले बिना किसी बात के हंसना बुरा लगता है, इस तरह हंसने वाले को लोग पागल कहते हैं। नहीं दीदी, पागल उसे कहते हैं जो हंसने वाले के साथ नहीं हंसता और अपना बड़प्पन झाड़ने लगता है। तू पागल, तू पागल, तू पागल, तू पागल। तभी गुड्डी और पिंकी के पापा वहाँ आ गए। ये क्या हो रहा है, तुम दोनों फिर से शुरू हो गईं? देखिए ना पापा, ये गुड्डी बड़ी बहन होने का गलत फायदा उठाती है, जब देखो मुझे डांटती रहती है। ये गलत बात है गुड्डी, पिंकी तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें पिंकी को इस तरह नहीं डांटना चाहिए। पर पापा, मैं तो इसे अकल ही सिखाती हूँ। खुद के पास है नहीं, मुझे सिखाएगी। तेरे पास नहीं है, तेरे पास नहीं है। ओहो, चुप हो जाओ, बात बात पर लड़ना शुरू कर देती हो, आपस में प्यार से नहीं रह सकती? हाँ पापा, अपनी छोटी बहन को प्यार करना चाहिए, पर ये मुझ पर रौब जमाने के ही चक्कर में रहती है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अब अपना झगड़ा बंद करो। आज शाम को राजा जी ने पूरे जगमग वन के खास खास लोगों को अपने यहाँ शाही दावत में बुलाया है, वहाँ कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे हमारी बेइज्जती हो। अगर पिंकी भी वहाँ जा रही है तो फिर तो आपकी बेइज्जती होनी ही है। होके रहेगी, आपकी बेइज्जती होती रहेगी। देखा पापा, आपने इतना समझाया फिर भी ऐसी बात कर रही है, नहीं सुधरेगी, नहीं सुधरेगी, गुड्डी की बच्ची नहीं सुधरेगी। अच्छा बस करो, अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम दोनों को सजा मिलेगी, एक दूसरे का ख्याल रखना। और सुनो गुड्डी, अगर तुम्हें लगे कि पिंकी कुछ गलत कर रही है तो उसे आराम से समझा देना। पापा ये कहकर निकल गए, पर पापा ने जो कहा था उससे गुड्डी खुश हो गई। उसे लगा कि अब वो पिंकी को जैसे चाहे डांट सकती है। उसने अभी से पिंकी को समझाना शुरू भी कर दिया। देखो पिंकी, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शाही दावत में एंट्री लेते समय तुम्हें कैसे चलना है। ओलो, तो अब मुझे चलना भी नहीं आता, तो मैं क्या चलती नहीं हूँ, हवा में तैरती हूँ। फूहड़ों की तरह चलना अलग बात होती है, शान से चलना अलग बात होती है। आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ, वहाँ सामने खुले मैदान में आ जाओ, तुम्हारे लिए सही से चलना सीखना बहुत जरूरी है। गुड्डी जो कुछ भी कह रही थी पिंकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, पर वो करती भी क्या। पापा ने गुड्डी को कह ही दिया था कि तुम्हें पिंकी को समझाना है, तो अब गुड्डी को रौब तो मारना ही था। खुले मैदान में गुड्डी ने पिंकी को अपना ऑर्डर सुनाया। अब जरा चल के दिखाओ तुम शाही भोज में एंट्री कैसे लोगी। पिंकी बेचारी मन को मार कर चलने लगी। देखा मैंने कहा था ना, तुम्हें शान से चलना नहीं आता, देखो जैसे मैं चलती हूँ उसे देखो और वैसे ही चलने की कोशिश करो। पिंकी ने गुड्डी को देखकर अजीब सा मुंह बनाया, पर क्या करती, पापा की कही बात तो माननी ही थी। देखा अब तुम ऐसे ही चलो। पिंकी ने फिर से चलने की कोशिश की, पर गुड्डी इस बार संतुष्ट नहीं थी, उसने पिंकी को जोर से डांटा। हद है, तुम ठीक से मेरी नकल भी नहीं उतार सकती, एक बार फिर देखो। गुड्डी ने फिर चलकर दिखाया और पिंकी ने फिर से नकल करने की कोशिश की। हाँ अब कुछ ठीक है, पूरा ठीक तो नहीं है पर काम चल जाएगा। पिंकी ने गहरी सांस छोड़ी। आज शाही दावत में मेरी शाही शामत आने वाली है, किसी दुश्मन को भी ऐसी बड़ी बहन ना मिले। गुड्डी और पिंकी के पापा ने उनकी मम्मी से अपना डर जाहिर किया।
मुझे तो डर ही लग रहा है, ये गुड्डी और पिंकी कहीं शाही दावत में सबके सामने एक दूसरे के साथ झगड़ी ना बैठें, हमारी बहुत बेइज्जती होगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, दोनों बहनें हैं, आपस में भाई बहनों में झगड़ा तो होता ही रहता है, पर दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं। शाही दावत में जगमग वन के सभी प्राणी आना शुरू हो गए थे, पर गुड्डी को जैसे पिंकी को सारी अकल आज ही सिखा देनी थी। देखो, मैंने जैसे तुम्हें चलना सिखाया था वैसे चलने की कोशिश करो। चल तो रही हूँ दीदी, तुम तो ऐसे ही मुझ में नुक्स निकालती रहती हो। सभी प्राणी शाही दावत में पहुंच गए और अपनी अपनी जगह ले ली। महाराज ने सबका अभिवादन किया। आप सभी का शाही दावत में स्वागत है। इस दावत में उन सभी खास प्राणियों को बुलाया गया है जिन्होंने राज दरबार की खास सेवा की है और जगमग वन को बेहतर बनाने में भी काम किया है। आप सब ऐसे ही काम करते रहें तो जगमग वन और भी जगमगा उठेगा। खाना शुरू किया जाए। सभी प्राणियों के सामने उनके पसंदीदा खाने रख दिए गए थे। पिंकी ने जैसे ही अंगूर उठाकर खाना शुरू किया तो गुड्डी ने फौरन टोक दिया। ये क्या कर रही हो, पहले अंगूर नहीं खाते, पहले मूंगफली और अखरोट खाते हैं। पिंकी ने अंगूर रख दिए और अखरोट खाने लगी, पर गुड्डी ने फिर टोका। ओफो, खाते हुए इतना आवाज क्यों कर रही हो, ये फुअड़पन है, मुंह बंद करके खाओ। पिंकी को गुस्सा तो बहुत आया पर वो दांत पीस कर रह गई। उसे अपनी मम्मी पापा की इज्जत का ख्याल था। वो सोचने लगी, ये गुड्डी की बच्ची आज दीदी होने की पूरी तरह साबित करके रहेगी। तभी वहाँ बंटू बंदर आ गया। वो केले खाते हुए आगे बढ़ रहा था कि उसकी नजर गुड्डी और पिंकी पर पड़ी। उसे भी दूसरों में नुक्स निकालने की गंदी आदत थी। दोनों को देखते ही बंटू शुरू हो गया। ओहो, पिंकी जी बैठी हैं। भाई इनकी आवाज का तो कहना क्या, एक दिन मैंने इसे गाते हुए सुना था, इसे गाने का बहुत शौक है। ऐसा लगता था जैसे कोई बेसुरा कौवा गला फाड़ रहा है। तें, तें। बंटू की बात सुनकर पिंकी को बहुत गुस्सा आया, पर गुड्डी चुप रही। अब बंटू ने गुड्डी का नंबर लगा दिया। और ये गुड्डी, इसको अभी मैंने दावत के लिए देखा, क्या चलती है। ऐसा लगता है जैसे गधा छोटा हो गया है और दुलत्ती झाड़कर चल रहा है। अब तो पिंकी को गुस्सा आ गया। अरे बंटू के बच्चे, जितनी शान से मेरी दीदी चलती है उतनी शान से तो कोई चल भी नहीं सकता। जब मेरी दीदी नाचती है तो परी लोग की परियां भी दांतों तले उंगली दबा लेती हैं। और मेरी प्यारी छोटी बहन पिंकी की आवाज ऐसी है कि कोयले भी चुप होकर इसका गाना सुनने लगती हैं। महाराज ने जब ये सब सुना तो वो बोले, अगर ऐसा है तो आज सभी के सामने गुड्डी का नाच और पिंकी का गाना हो जाए। ये सुनकर सभी प्राणी खुशी से चीखने लगे। गुड्डी और पिंकी ने राजा के सामने सिर झुकाया और नाचना गाना शुरू कर दिया। पिंकी गा रही थी और गुड्डी नाच रही थी। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। ये देखकर गुड्डी और पिंकी के पापा उनकी मम्मी से बोले, तुमने ठीक कहा था, भाई बहन आपस में भले ही झगड़ते रहें पर उनके मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार होता है, और अगर कोई बाहर वाला कुछ कहे तो मिलकर उसका सामना करते हैं। यही तो होती है परिवार की भावना। गुड्डी और पिंकी का प्रोग्राम देखकर जगमग वन के सभी प्राणी खुशी से झूम रहे थे।